हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों, कल की डेट में विधानसभा में बैठक हुआ, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा यह घोषणा किया गया कि एक महीने के अंदर में कुल 20,000 पदों के लिए निकाली जाएगी बहाली, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली जितने भी नई नई बहालियां हैं सभी की हर पल की जानकारियां मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इस समय आज के हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर को ऑन कर रखा हूं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए, यहां सबसे पहले बोल रहा है कि विधानसभा में बजट पारित, सदन में सीएम ने रखा सरकार का पक्ष। आगे बोल रहा है कि खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकती हेमंत। तो चलिए देखते हैं अब इसको पूरा डिटेल में। सबसे पहले मैं इसको हल्का सा जूम कर लेता हूँ, ताकि आपको देखने में सुविधा हो। तो दोस्तों, आपका अधिक समय ना लेते हुए डायरेक्ट आपको मेन पॉइंट पर लेकर चलता हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो ऊपर में बताया गया, सबसे ऊपर में, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ पर जो कुछ भी भाषणबाजी हुआ वो सब यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आपको मैं डायरेक्ट जो है मेन पॉइंट पर लेकर चलता हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप नीचे में देख पा रहे हैं, यहाँ पर बताया गया कि एक माह में देंगे 20,000 नौकरी। जी हाँ दोस्तों, एक महीने के अंदर में टोटल 20,000 नौकरी देने का बात कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा कि सीएम ने कहा कि सूबे में एक महीने में 20,000 नियुक्ति करेंगे। उसके बाद आगे बोल रहा कि अभी जो है 7,267 पदों की सूची जो है वो JSSC को दे दी है। तो 7,267 पदों के लिए JSSC को जो है उसका सूची दे दिया गया है कि इन इन पदों को बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू किया जाए, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि यहाँ पर 2,898 पदों के लिए विज्ञापन भी निकाल दिया गया है। जो कुछ भी अभी विज्ञापन चल रहा है, जैसे कि एक्सिस कांस्टेबल का जो कुछ भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं अभी, ठीक है, उससे पहले हुआ था सचिवालय का, तो ये सब यदि सभी को जोड़ा जाए तो टोटल 2,998 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। लेकिन बाकी पदों के लिए विज्ञापन जो है वो आने वाली है लगभग एक महीने के अंदर में, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि 5,00,000 नौकरी ना दे पाने की स्थिति में संन्यास लेने की बात पर भाजपा सदस्यों ने मुख्यमंत्री को घेरा। तो आपको जैसे कि मालूम होगा कि पहले मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि जो है 5,00,000 नियुक्ति कराएंगे, ठीक है, लेकिन नहीं करा पाने के लिए वो जो है भाजपा सदस्यों ने उसको घेर लिया था। उसके बाद आगे बोल रहा है, तब सीएम ने कहा कि उन्होंने जो है 5,00,000 रोजगार की बात की थी, सरकारी नौकरी का वादा नहीं किया था, ठीक है। तो उनका जो है कहना है कि हमने 5,00,000 नौकरियों का वादा नहीं किया था, 5,00,000 रोजगार देने की बात कहा गया था, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि मैंने आपको बता दिया, बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली जितने भी भर्तियाँ हैं सभी की जानकारियाँ आपको मिलते रहे।